हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि बेल्ट वाला और सादा दोनों ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी एक ही वीडियो में। और आप लोगों को आर्मूल की टिप्स दूंगी कुछ, जो कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमारा आर्मूल या तो लूज हो जाता है या टाइट हो जाता है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लूज क्यों होता है और टाइट क्यों होता है। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सकेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने ब्लाउज़ लिया हुआ है नाप के लिए, तो ये हैवी साइज़ का ब्लाउज है थोड़ा, तो मैं इसकी कटिंग बताऊंगी आप लोगों को। तो मैं आपको ये बेल्ट वाला है, मैं आपको सादा और बेल्ट वाला दोनों तरह की कटिंग बताऊंगी कि हमें कैसे करनी चाहिए, और आर्मूल टिप्स भी आपको दूंगी। तो सबसे पहले हमें कपड़े की इसकी अपर चेस्ट नाप लेनी है, जो सॉरी अपर चेस्ट से हम नहीं कट करेंगे, इसकी हम फुल चेस्ट नापेंगे। तो हमारी देखिए अपर चेस्ट और फुल चेस्ट क्या होती है, मैं आपको बता दूँ। अपर चेस्ट तो हमारी ये यहाँ से ये होती है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये, और फुल चेस्ट होती है हमारी ये, जो हमारे टक्स के जो बीच में जो भाग जाता है ये होती है हमारी फुल बस्ट। तो हमें ये नापा जाता है हमारी ब्लाउज की कटिंग के लिए हमेशा। अगर आप इस हिसाब से ब्लाउज को कट कर दोगे तो आपका ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा। तो आपको हमेशा फुल बस्ट के हिसाब से कटिंग करनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप दोनों पार्टों की कटिंग एक साथ कर रहे हो, तो अलग अलग कर रहे हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन अगर आप दोनों पार्टों की एक साथ कटिंग कर रहे हो तो आपको फुल बस्ट के हिसाब से कटिंग करनी होगी। तो देखिए मैं आप स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इसकी हम फुल बस्ट ऐसे करके नापेंगे, जो हमारा ये फिटिंग वाला जो निशान है यहाँ से रखेंगे, और ये देखिए मैंने बीच में से इसको बिल्कुल सेंटर में से पकड़ा है, कमर और ये अपर चेस्ट के बीच में से हमको पकड़ना है, जो ये टक्स आते हैं बीच वाले इस पर, और ये ऐसे करके टक्स को सीधा खींचना है हल्के हाथ से, और इसको भी ऐसे करके सीधा पकड़ लें, मतलब बीच में हमें इंची टेप जरूर नापना, नहीं तो छोटा भी हो सकता है। तो देखिए इधर से हमारा 11.5 इंच आ रहा है, टोटल 11.5 इंच, देखिए यहाँ से 11.5 इंच है। और देखिए अगर हम ऊपर से नापते हैं तो देखिए 11 इंच ही आ रहा है, केवल 11 इंच करीब, तो आधा इंच से ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इधर से भी हम नाप लेते हैं, 11.5 इंच आ रहा है उधर से, और इधर से कितना आ रहा है 11.5, और इधर से आ रहा है 11 इंच। तो ये पट्टी का फर्क पड़ जाता है, ये सिलाई में चली जाती है, तो आधा इंच इसका फर्क पड़ जाता है। तो हम 11.5 इंच के ही हिसाब से कट करेंगे। तो अब देखिए इसकी हम लंबाई भी नाप लेते हैं, लंबाई कितनी है इस ब्लाउज की। तो देखिए यहाँ से जो हमारा शोल्डर वाला जॉइंट है, हमें यहाँ से इसको रखना है इंची टेप को, और ये जो हमारा टक्स वाला जो निशान है यहाँ तक हमें सीधा खींचना है ब्लाउज को, यहाँ से टक्स जो हमारा लग रहा है यहाँ से हमें खींचना हल्का सा, और ये देखिए 14.5 इंच ये यहाँ पर आ रहा है, 14.5 इंच आ रहा है यहाँ पर। तो 14.5 इंच इसकी फुल लंबाई है। तो हम देखिए कपड़े को इसको सेट करके अब बिछा लेंगे इसको दोनों हिस्से के हिसाब से। तो मैं दोनों हिस्सों की एक साथ कटिंग करूंगी। तो हमारी टोटल लंबाई है 14.5, तो 15.5 हमें टोटल चाहिए। तो इसकी लंबाई थोड़ी सी आगे के हिस्से से छोटी पड़ेगी, तो हम इधर से देख लेते हैं कैसे आएगी, ये कितनी लंबाई है इसकी इधर से। तो हम इधर से ले लेंगे, क्योंकि आगे के पार्ट में थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए इसीलिए। तो हम ऐसे करके इस कपड़े को आपको पहले ही नाप लेना है किधर साइड से आपका कपड़ा सही आ रहा है। तो देखिए इस साइड से मैं ले लेती हूँ, और इस लंबाई को सेट करके आपको दिखाती हूँ फिर। 14.5 लंबाई है टोटल, तो हमें 15.5 पर इसको रख लेनी है। तो पहले हम चेस्ट का नाप कर लेते हैं, फिर लंबाई का देख लेते हैं। तो देखिए चेस्ट हमारी आ रही है फुल चेस्ट 11.5, और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं, तो 13 इंच पर हम टोटल निशान ले लेंगे कपड़े को, इसको 13 इंच को फोल्ड करके रख लेते हैं। देखिए 13 इंच है ये, ऐसे करके फोल्ड करके आपको अच्छे से रख लेना है इसको सेट करके। अब देखिए अब हमारी लंबाई है 15.5 इंच टोटल रखनी है हमें, तो 15.5 इंच हमारी यहाँ से है,
तो हमें यहाँ से फोल्ड करके रख लेना है अच्छे से। तो देखिए ये लंबाई मैंने सेट कर ली है और इसकी चेस्ट भी सेट कर ली है। देखिए लंबाई हो गई हमारी 15.5 इंच और इसकी चेस्ट हमने ले ली है 13 इंच। ठीक है, तो मैंने देखिए अलग अलग पार्ट के हिसाब से ऐसे रख लिया ताकि हमारा ऊपर का पार्ट अलग निकल जाए और फिर हम टक्स वगैरह का निशान लगा लेंगे बाद में अच्छे से। तो अब सबसे पहले हम लगाएंगे, देखिए तो देखिए सबसे पहले हम नापेंगे इसका शोल्डर। तो देखिए मैंने आपको चार्ट बताई हुई है सब क्लास बाय क्लास। तो देखिए इसकी हमारी जो चेस्ट है 11.5 या 11.25 कर लेते हैं, 11.25 कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक तरफ से 11 इंच आ रहा है और एक तरफ से 11.5, तो 45 इंच चेस्ट हो गई। इसका चौथा हिस्सा करेंगे तो हम, तो देखिए 45 इंच ये रही 45 का हम शोल्डर है। देखिए चेस्ट के हिसाब से हमें शोल्डर कितना लेना चाहिए, क्लास 7 में मैंने बताया हुआ है। तो देखिए 45 में हमारे 16 इंच शोल्डर हो जाएगा, टोटल 16 इंच शोल्डर हो जाएगा। और देखिए 45 में हमारा आर्म होल, चेस्ट के हिसाब से हमारा आर्म होल कितना लेना है ये भी मैंने बताया आपको। तो 45 चेस्ट में हमारा 18.5 से 19 तक लेना है। तो देखिए 18.5 से 19 तक लेना है, तो हम देखिए इसमें भी नाप के दिखा देते हैं आपको एक बार कितना आ रहा है इसमें। ऐसे हम खींचेंगे आर्म होल ये होता है, हमें आर्म होल को ऐसे नापना है, ऐसे हल्के से हाथ से खींचना, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, ऐसे खींचना है। तो देखिए 9.5 आ रहा है, ये 9.5, तो 19 पे आ गया टोटल जितना कि उस चार्ट में दे रहा है। तो शोल्डर हम जो बड़ा गला होता है उसमें शोल्डर तो नाप नहीं पाते हैं, लेकिन हम आर्म होल तो नाप ही सकते हैं। तो देखिए आर्म होल जो हमारा शोल्डर है उसका निशान लगाएंगे हम, तो शोल्डर का आधे पर निशान लगाते हैं हम। शोल्डर हमारा 16 इंच है तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 8 इंच में से हम सीधे सीधे 2.25 या 2 इंच कम कर देंगे। तो मैं 2.25 इंच कम कर देती हूँ, तो ये 2.25 इंच मैंने कम कर दिया इसमें से, तो हमारे ये टोटल यहाँ पर निशान आएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है करीब, देखिए 6.25 इंच आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ से 6.25 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ से लेना है 6.5 इंच, यहाँ से 6.5 इंच लेना है 1/4 इंच बढ़ाकर, और इस लाइन को हमें देखिए यहाँ से 6.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। तो ये आर्म होल का अंदाजा है, तो ये छोटा बड़ा क्यों पड़ जाता है, ये हम अंदाजे से रख देते हैं, फिर हम उसे गोलाई को नापते नहीं हैं। तो अभी मैं टिप्स आपको बताऊंगी। तो देखिए जो हमारी चेस्ट है अपर चेस्ट 11.5 पर आ रही है, तो हमने 11.5 पर निशान लगा दिया है ये। ठीक है, चेस्ट का निशान लगा दिया, इसको हम ऐसे करके सीधा कर देंगे। अब देखिए आर्म होल क्या होता है, आर्म होल मेन आर्म होल ये होता है, ये जो गोल शेप होती है ना, ये आर्म होल होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आर्म होल नहीं होता है हमेशा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आर्म होल नहीं होता है, आर्म होल हमारा ये वाला होता है। अब देखिए हम इसे कैसे नापेंगे, तो हमारा ये देखिए ऊपर से सिलाई आएगी, हमें उतना छोड़ना है पहले। अब देखिए यहाँ से हमारी साइड में से जितनी भी आप सिलाई लगाते हो, जितनी सिलाई लगाते हो आप उस हिसाब से आपको छोड़ते हुए इसको नाप लेना है। तो देखिए मैं यहाँ से आपको नाप के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कट नहीं किया है मैंने वीडियो में इस आर्म होल पर। तो देखिए ये हमारा आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये देखिए 10.5 आ रहा है करीब, 10.5 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 9.5 इंच। तो अब ये बड़ा है, तो यही तो कारण होता है, अब ये बड़ा है तो अब ऐसे ही इसे कट कर दोगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा, और अगर छोटा आ रहा है तो आपका छोटा हो जाएगा, तो यही कारण होता है छोटा और बड़ा होने का। तो अब देखिए हमें यहाँ से छोटा कर देना है, अगर आपका बड़ा आ रहा है तो हमें यहाँ से छोटा करना है, और अगर आपका छोटा आ रहा है तो आपको यहाँ से नीचे की साइड से थोड़ी सी लाइन और बढ़ा देनी है। तो देखिए हम एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर ऐसे करके, और फिर से हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसको ऊपर वाली लाइन को नाप लेते हैं। तो 9.5 आ रहा था हमारा, उतना हमें नाप लेना है। तो देखिए अब ये करीब सही आ रहा है, क्योंकि सिलाई वगैरह में जाता है थोड़ा वह, तो बिल्कुल सही आ जाएगा, तो ये अब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो हमें 9.5 आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना चाहिए, हमेशा कम नहीं लेना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा आर्म होल सेट। अब देखिए अब आते हैं हम गले पर, फटाफट अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आर्म होल की मुझे जानकारी देनी थी ज़्यादा। तो देखिए 2.5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, और हमारा गला है 10 इंच का, तो हम
आधा इंच सिलाई का, तो 10.5 इंच पर ये निशान लगा देंगे और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए मैंने ब्लाउज की कमर भी नाप ली है, आपको दिखाई नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। तो देखिए ब्लाउज की जो कमर आ रही है उसकी 37 इंच आ रही है, हम 37 का चौथा हिस्सा कर लेंगे, 9.25 इंच हो गया। तो हम 9.25 इंच पर ये निशान लगा देंगे, 9.25 इंच, और 1.5 इंच हम टक्स का लगा देंगे, 1.5 इंच ये टक्स का निशान हो गया। अब इसको और इसको हम मिला देते हैं ऐसे, तो ये हमारी फिटिंग का नाप हो गया। अब यहाँ से हम देखिए 5 इंच का हम टक्स का निशान लगाएंगे और 4.5 इंच की लंबाई का हम ये निशान लगा देते हैं और 1.5 इंच का हम टक्स ले लेंगे। 1.5 इंच का लेना है, जितना आपने रखा है टक्स के लिए एक्स्ट्रा उतना लेना है। अब देखिए यहाँ से हम कमर वाला निशान लगा देते हैं। अब इसको हम अभी गले को कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आगे का पार्ट इसी में है, इसीलिए हम पीछे के पार्ट को कट कर लेते हैं पहले, इसको निकाल देते हैं अलग। तो मैं इसे यहाँ से ऐसे करके कट करके निकाल देती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ फिर। अब हम इसको भी देखिए यहाँ से जो जॉइंट है इसको भी हम अलग कर देंगे ऐसे करके। तो हम यहाँ पर कट लगा देते हैं ताकि हमारे पीछे के पार्ट में पता चल सकेगा आगे के पार्ट में। तो ये निशान आ गया है वैसे, तो इसको हम अलग कर देते हैं, इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इस पर आगे के पार्ट का काम है। अब देखिए 7 इंच का ये गला है, तो मैंने 7 इंच का निशान लगा दिया है, और हमारा जो टक्स होता है वो 10 इंच का टक्स है, तो मैंने 10.5 इंच का निशान लगाया हुआ है क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो ऑटोमेटिक 10 इंच का हो जाएगा, ये टक्स का निशान हो गया। अब देखिए जो हमारा टक्स की लंबाई होती है उसकी हम लंबाई, अब देखिए टक्स की लंबाई जो होती है हमारी वो 2.5 इंच की होती है, तो मैं 2.5 इंच का निशान लगा देती हूँ। ये 2.5 इंच का निशान लगा दिया, तो ये हमें सादा ब्लाउज में भी लगाना है और बेल्ट वाले में भी, तो दोनों ब्लाउजों में लगाना है। अब देखिए हम टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ से, तो ये निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच का, क्योंकि ये हैवी साइज है तो हमें निशान को भी इसको ज़्यादा दूर रखना चाहिए। तो देखिए 4.5 इंच का ही हमें यहाँ से निशान लगाना है, तो ये हमें चाहे सादा ब्लाउज हो चाहे टक्स वैसा हो बेल्ट वाला हर साइज में लगाना है। तो देखिए 1.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया हुआ था, तो हमें 1.5 इंच का ये टक्स लगा देना है यहाँ से, और इसको हमें ऐसे करके सीधा कर देना है ऐसे करके। तब देखिए यहाँ से हम 2-2 इंच की दूरी से ये वाले निशान लगा देंगे, 1 टक्स 2 टक्स, और यहाँ से हम 3 इंच की दूरी पर लगाएंगे ये वाले टक्स के निशान को। तो 3 टक्स ये हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, तो ऐसे करके हम निशानों को साइड में कर देंगे। तो ये वाला टक्स हम लेंगे 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये वाला टक्स लेंगे हम करीब 1.5 इंच का, क्योंकि हैवी साइज है बहुत ज़्यादा तो उस हिसाब से हमें लेना है टक्स को। तो ये हमारा टक्स हो जाएगा करीब 1.5 इंच का यहाँ से, और यहाँ से देखिए ये वाला टक्स आएगा हमारा 1 इंच का। तो मैं टक्सों को चेस्ट और जो चेस्ट होती है और कमर के हिसाब से हमें लगाना चाहिए, और कमर में और चेस्ट में अंतर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा टक्स लेने हैं बड़े बड़े। तो देखिए ये टक्स हो गए। अब देखिए सादा हमें अगर ब्लाउज सिलना है तो देखिए इस लाइन को ऐसे सीधा कर देना है, इस लाइन को हमें ऐसे सीधा कर देना है, और ये वाला हमारा जो टक्स लगेगा वो ऐसे करके पहले सीधा टक्स आएगा यहाँ तक, और फिर ऐसे करके ये हो जाएगा पूरा टक्स। तो हमें यहाँ से कट नहीं करना अगर बिना बेल्ट का लगाना है, और अगर बेल्ट वाला बनाना है तो आपको देखिए 1 इंच की ऊंचाई से यहाँ से आपको निशान लगाना है एक, और ये हमें इस निशान को ऐसे करके मिला देना है, ऐसे करके गोल शेप में मिला देना है हल्का सा, और ये हमें सीधा ऐसे करके कट कर देना है यहाँ से। और अगर आपको बिना टक्स वाला मतलब बिना बेल्ट वाला बनाना है तो आपको यहाँ से इसको ऐसे करके नाप लेना है, और इस टक्स को हमें ऐसे फोल्ड करके नापना है, नहीं तो अगर आप टक्स सही से नाप दोगे तो आपका आगे का पर्दा छोटा हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके नाप के यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर देना है। तो अब देखिए मैं बेल्ट वाला बनाने वाली हूँ, तो यहाँ से हमें बेल्ट कट कर देनी है। तो केवल यही फ़र्क होता है बेल्ट वाले में और बिना बेल्ट वाले में। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं कि बेल्ट वाला कैसे कटता है और बिना बेल्ट वाला कैसे। तो ये हमारी
कटिंग हो गई ऊपर के पार्ट की, और हम गले को बाद में कट कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अब देखिए 9.5 इंच हमारी कमर हो गई और 2 इंच हम, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो 2 इंच कर देते हैं, बाद में हम एडजस्ट कर देंगे जो भी होगा वो। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं। तो ऐसे ही हम पीछे के हिस्से पर निशान लगा लेंगे। तो हम, मैं अब निशान लगा के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे कट होती है और बेल्ट वाले की कैसे। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।